इस परिवार के ऑक्सीडेशन स्टेट में हम देखते हैं कि -4, +4, -1 कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं। तो जैसे कार्बन यदि अलग अलग यौगिक बनाते हैं, जैसे कार्बन मीथेन के रूप में यदि है और यौगिक बनाता है, तो यहाँ इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, जबकि एसिटिलीन C2H2 में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होता है। इस परिवार में सभी सदस्यों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट या पी ब्लॉक में, जैसा कि हमने विशेषता में देखा था कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें एस में भी इलेक्ट्रॉन है और पी में भी इलेक्ट्रॉन है। तो पी में चूंकि एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो कार्बन जो है वो -4 और +4 दोनों स्थिति में यौगिक बना सकते हैं। इसी तरह से सिलिकॉन प्रायः +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, जबकि जर्मेनियम +4, +2 दो तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। टिन में भी +2, +4 और लेड में भी +2 और +4। तो ये हम देख रहे हैं कि नीचे के सदस्य हैं वो दोनों प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर +2 और हायर में +4, लेकिन अक्रियुग्म प्रभाव के कारण इसके जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे यदि हम टिन डाइक्लोराइड और टिन टेट्राक्लोराइड की बात करें, तो SnCl2 ज़्यादा स्थाई होगा SnCl4 की तुलना में। इसी तरह से लेड के जो कंपाउंड्स हैं PbCl2 और PbCl4 में PbCl2 ज़्यादा स्थाई होता है, क्योंकि उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड की संरचना को हम देखेंगे, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सहसंयोजी यौगिक के रूप में है। तो यहाँ कार्बन के बाह्यतम कोश में जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कार्बन sp3 संकरित अवस्था में होता है, 4 संकरित कक्षक बनते हैं, और जो कि क्लोरीन के 3pz के साथ अतिव्यापित होते हैं और अतिव्यापित होकर के 4 सहसंयोजक बंध सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमने देखा कि ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं और सहसंयोजी यौगिक है ये। इस परिवार का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं या इस परिवार की सहसंयोजकता का मान कहाँ तक बढ़ सकता है, तो कार्बन की जब हम बात करते हैं तो कार्बन में आप देखिए केवल 2s और 2p है, लेकिन बाकी जितने भी सदस्य हैं उसमें 3, जैसे कि 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, तो सब में आप देखिए कि d ऑर्बिटल है। तो इसकी सहसंयोजकता का विस्तार आगे तक हो सकता है, लेकिन कार्बन की सहसंयोजकता का विस्तार आगे तक नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर 4 ही होता है, इसमें 6 तक आगे नहीं जा सकते। इन सभी तत्वों में हम देख रहे हैं कि रिक्त डी कक्षक प्रेजेंट है, जो इसकी सहसंयोजकता को बढ़ा सकते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन आगे जा सकते हैं और जिससे कई प्रकार के यौगिकीय बना सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देखिए, जैसे सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड, जर्मेनियम हेक्साक्लोराइड या टिन हेक्सा हाइड्रोक्सो टिन आयन। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर हम संकुल देख रहे हैं, संकुल आयन देख रहे हैं, ये सभी उच्चतर जो सहसंयोजकता है इसको व्यक्त करते हैं, और ये इसलिए संभव है क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड सभी में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सहसंयोजकता का विस्तार हो सकता है, इसलिए ये इस तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं। और इनमें देखा गया है कि sp3d2 संकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी संकरित हो रहा है और इस तरह से यहाँ सहसंयोजकता का विस्तार हो सकता है। इस परिवार में जो कार्बन है वो श्रृंखलन का गुण दर्शाता है या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इसमें होती है। कार्बन एक ऐसा अनोखा सदस्य है जो अपने ही परमाणु के साथ या अपने ही आवर्त में उपस्थित जो नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, इन सब के साथ मिल करके एक चेन जैसी संरचना, एक खुली श्रृंखला बना सकता है, बंद श्रृंखला बना सकता है, एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। तो किसी भी तत्व में जो श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, यही कहलाती है श्रृंखलन। तो जब कार्बन में हम देखते हैं तो कार्बन जो है वो एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, कई सारे कार्बन मिलकर के बड़े से बड़े कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं, जो कि जीवन का आधार भी है, हमने देखा। तो कार्बन जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होती है श्रृंखला बनाने की, लेकिन इस परिवार में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं
तो ऋण विद्युतता के मान में कमी होती है तो श्रृंखलन का गुण भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो पी पाई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति भी नहीं देखी जाती, क्योंकि नीचे के सदस्यों में चूंकि डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है तो पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। लेकिन कार्बन एक ऐसा सदस्य है जिसमें कि पी पाई बहुआबंध बनाने की क्षमता होती है। तो जो कार्बन है वो अपने ही आवर्त के जो सदस्य होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इन सब के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बन रहा है अर्थात यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा, तो पी पाई बॉन्डिंग करने की क्षमता जो है वो कार्बन की होती है। यहाँ पर एक प्रश्न भी बनता है कि सिलिकॉन और कार्बन में यदि ऑक्साइड्स को देखते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जो है वो ठोस रूप में होता है जबकि CO2 गैसियस फॉर्म में होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यहाँ हम देख रहे हैं कि द्विबंध बना रहा है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना, तो पी पाई बॉन्डिंग है। लेकिन सिलिकॉन चूंकि बड़ा परमाणु हो गया तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। यहाँ पर ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो बन तो रहा है लेकिन यहाँ पर इनके बीच में SiO एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंध नहीं बन पाता है। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक एक अणु यदि हम देखें तो प्रत्येक अणु में CO2 यानी C डबल बॉन्ड O है, तो जो जितने सारे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल रहता है और इस वजह से ये गैस रूप में होते हैं, जबकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड में सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और इस तरह से ये आपस में जुड़ते जाते हैं सिंगल बॉन्ड से और ये ठोस रूप में दिखाई देते हैं, एक नेटवर्क जैसी इसकी संरचना दिखाई देती है। यहाँ पर हम दो यौगिकों की तुलना करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर देखें जैसे ट्राईमिथाइल एमीन और ट्राईसाइलिल एमीन, इसकी तुलना यदि की जाती है, संरचना यदि देखी जाएगी तो जो ट्राईमिथाइल एमीन होता है वो पिरामिडी स्ट्रक्चर वाला होता है जबकि ट्राईसाइलिल एमीन समतली संरचना का होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नाइट्रोजन है यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है, नाइट्रोजन पर sp3 संकरित अवस्था है जहाँ चार संकरित कक्षक बने, चार संकरित कक्षक में जो तीन संकरित कक्षक है वे मिथाइल ग्रुप के साथ सिग्मा बॉन्डेड बना ले रहे हैं, मतलब उनके साथ वो अतिव्यापित होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एक जो संकरित कक्षक है उसमें अभी भी एक काकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है जो इसकी संरचना को पिरामिडल बना देते हैं। चतुष्फलकी की जगह पर अब ये पिरामिडल हो जाता है क्योंकि इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का और प्रयोग भी नहीं हो रहा है, ये उपलब्ध है दूसरों को देने के लिए, तो ये क्षारीय भी होंगे ज़्यादा, तो ये उपलब्धता इनकी जो है वो इसके क्षारीय गुण को बढ़ाती है, इससे क्षार बनाती है, लुईस क्षार जैसा बिहेवियर करने लगता है। लेकिन ट्राईसाइलिल एमीन जो है इसमें आप देखिए कि जो इसका नाइट्रोजन है केंद्रीय परमाणु उसमें sp2 संकरित अवस्था है, तो sp2 संकरित अवस्था अर्थात तीन जो संकरित कक्षक हैं, तीनों जो संकरित कक्षक बने और साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन पर अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो dpi-pi बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर सिलिकॉन का जो रिक्त डी कक्षक है उसमें इसका जो लोन पेयर है वो विस्थानीकृत हो जाता है, डीलोकलाइज्ड हो जाता है, और बाकी जो यहाँ पर संकरित कक्षक है उनके साथ ये सिलिकॉन के ऑर्बिटल है वो अतिव्यापित हो जाते हैं। ट्राईसाइलिल एमीन का जो नाइट्रोजन है उसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है बहुबंध के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दान करने के लिए उपलब्ध नहीं है, इस वजह से इसका जो क्षारीय गुण है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर dpi-pi बॉन्डिंग देखने को मिलती है सिलिकॉन के रिक्त डी कक्षक और जो ट्राईसाइलिल एमीन का नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके मध्य dpi-pi जो अतिव्यापन है, इस वजह से इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से समतलीय दिखाई देती है।
कार्बन परिवार में कार्बन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन के भी अलग अलग वर्ग होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एल्केन, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो एल्काइन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्केन का जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2, और एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ जो n है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। इसी प्रकार जो सिलिकॉन होता है वो सिलेन बनाता है। तो जो सिलिकॉन जब सिलेन बनाता है तो इसमें मोनोसिलेन जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है SinH2n+2। तो ये सिलेन का फॉर्मूला हो गया, यानी यहाँ भी n जो है वो सिलिकॉन परमाणुओं की संख्या होगी। मोनोसिलेन बनाने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ सिलिकॉन क्लोराइड का रिएक्शन होता है। तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड प्लस LiAlH4 इज इक्वल टू SiH4 प्लस LiCl प्लस AlCl3। तो यहाँ मोनोसिलेन बनता है। अब हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करते हैं तो किस प्रकार से ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस परिवार में प्रायः मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो मोनोऑक्साइड में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड, टिन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, ये सभी स्थायी होते हैं, ज़्यादा प्रकृति में स्थायित्व देखा गया है इनका। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो नेचर है वो बहुत अधिक स्थायित्व वाला यौगिक है, लेकिन ये विषैला भी होता है, और इसकी जो बंधन ऊर्जा का मान है वो 870 किलो जूल प्रति मोल होता है। लेकिन जो SiO है वो अस्थायी यौगिक होता है, ये ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में 2PY और 2PY इस तरह से अतिव्यापन हो सकता है, एक पाई बॉन्ड बन सकता है। लेकिन जो कार्बन में रिक्त कक्षक के साथ ऑक्सीजन का 2PZ का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अतिव्यापित भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन के पास रिक्त कक्षक है और ऑक्सीजन के पास भरा हुआ 2PZ कक्षक है। लेकिन दोनों में ऊर्जा में अंतर नहीं है, दोनों की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग बराबर हैं। वहीं यदि सिलिकॉन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो सिलिकॉन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3P में प्रेजेंट है, जबकि ऑक्सीजन के पास 2P में प्रेजेंट है। तो दोनों की ऊर्जा में अंतर है, साथ ही जो सिलिकॉन है उसकी ऋण विद्युतता ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, उसका आकार भी बड़ा होता है। तो ये ऑक्सीजन के साथ 3P pi और 2P pi बॉन्ड यहाँ नहीं बन पाता है, मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच 3P pi और 2P pi बंद नहीं बन पाता है। इसलिए सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो प्रकृति में ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अतिव्यापित हो सकता है, जो कार्बन का रिक्त कक्षक है वो ऑक्सीजन के भरे हुए कक्षक के साथ अतिव्यापित होकर के पाई बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों में ही 2P 2P कक्षक है, जो कि ऊर्जा में लगभग बराबर होता है, और इसमें जो ऋण विद्युतता का मान है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर अतिव्यापन की क्रिया हो सकती है। लेकिन सिलिकॉन और ऑक्सीजन में इस तरह से अतिव्यापन नहीं हो सकता है, तो सिलिकॉन मोनोऑक्साइड प्रकृति में स्थायी नहीं होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन प्रकृति का होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को लुईस क्षार के रूप में भी जाना जाता है। ये कई सारे धातुओं के साथ मिलकर धातु कार्बोनिल का निर्माण भी करते हैं। जर्मेनियम ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी अर्थात ये अम्ल के साथ भी क्रिया कर सकते हैं और क्षार के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें ये प्रवृत्ति होती है कि ये कई सारे धातुओं के साथ मिलकर, आयरन, निकिल, इनके साथ मिलकर ये धातु कार्बोनिल बना सकते हैं, जैसे कि पेंटा कार्बोनिल आयरन, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। तो ये धातु कार्बोनिल बनाने की इसकी प्रवृत्ति होती है। जब हम डाइऑक्साइड को देखते हैं तो कार्बन
डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इनकी जो प्रकृति होती है ये अम्लीय होते हैं, जबकि जर्मेनियम डाइऑक्साइड है ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन टिन डाइऑक्साइड और लेड डाइऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी यानी यहाँ भी ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का लक्षण दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो संरचना होती है वो रेखीय होती है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, यानी 2p और 2p के मध्य पी पाई बॉन्डिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाते हैं, पाई बंद बनता है, और वांडरवाल आकर्षण बल से ये जुड़े रहते हैं, दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल से, तो की जो प्रकृति होती है वो गैसीय होती है। ये अम्लीय होते हैं जब ये जल के साथ क्रिया करते हैं तो H2CO3 एक अम्ल बनाते हैं, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड की संरचना के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना की जाती है तो ये देखा जाता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो ठोस रूप में होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलिकॉन में चारों तरफ से प्रत्येक जो सिलिकॉन परमाणु है उसके चारों ओर चतुष्फलकी ढंग से व्यवस्थित जो ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़कर सहसंयोजक बंध बना ले रहा है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और इस तरह से सिलिकॉन परमाणु जो होता है वो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे से ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़ा हुआ है, अर्थात एक सिलिकॉन ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, तो दो सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन की सहायता से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और सिलिकॉन चारों तरफ से जुड़ करके एक चतुष्फलकी ढंग से जुड़ने के बाद एक पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड ठोस रूप में पाया जाता है। जो इसके अम्लीय ऑक्साइड होते हैं जब वो क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, जैसे यहाँ पर यदि हम डाइऑक्साइड की बात करें, यदि हम सभी जितने भी इसके अम्लीय ऑक्साइड है उसको हम कॉमन रूप से MO2 के फॉर्म में लिखते हैं, तो MO2 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू बनता है Na2MO3, जो भी यहाँ पर लवण बनता है जिस तरह से हम क्षार लेंगे उस आधार पर यह लवण बनता है प्लस H2O। यदि लेड डाइऑक्साइड की बात होती है PbO2, तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड्स होते हैं, अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर सकते हैं, तो जो लेड डाइऑक्साइड है जब वो HCl से रिएक्ट होता है तो PbO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O बनता है। इसी तरह से यहाँ PbO2 जब अम्ल की तरह कार्य करेगा तो ये क्षार से रिएक्ट होता है, PbO2 प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2PbO3 यानी सोडियम प्लम्बेट बना प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर दोनों में हम देख रहे हैं कि ये अम्ल और क्षार की तरह क्रिया करता है और एक तरह से लवण ही बनाते हैं। PbO2 प्रबल ऑक्सीकारक भी होते हैं, जब ये नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। जब PbO2 नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन मुक्त करते हैं तो भी एक लवण का निर्माण होता है, तो 2PbO2 प्लस 4HNO3 इज इक्वल टू PbNO3 होल ट्वाइज यानी लेड नाइट्रेट बना प्लस H2O बनता है, और साथ ही साथ यहाँ पर बनेगा ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन है यही दूसरे पदार्थों को ऑक्सीकृत कर पाते हैं, तो इसलिए PbO2 एक अच्छे ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। जब जल से ये क्रिया करते हैं तो इस परिवार के जो सदस्य हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ये जल से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन टिन भाप को वियोजित करता है और डाइऑक्साइड बनाता है, तो जब टिन की क्रिया भाप से होती है तो डाइहाइड्रोजन गैस निकलता है, तो टिन प्लस H2O यहाँ H2O के रूप में लिखा गया है अर्थात ये भाप दिया जा रहा है, तो टिन डाइऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जो लेड है ये जल से अप्रभावित होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि इसकी सतह पर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस वजह से ये निष्क्रिय हो जाते हैं और ये जल के साथ ये क्रिया नहीं दर्शाते हैं। जब इस परिवार की हैलोजन से क्रिया होती है तो ये दो प्रकार से हैलाइड बना सकते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, ये सभी डाई हैलाइड ट्राई हैलाइड
इन सभी अलग अलग रूपों में ये देखे जाते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है वो प्रायः टेट्राहेलाइट फॉर्म में ज़्यादा स्थायी होते हैं, जबकि जर्मेनियम, टिन और लेड ये दोनों प्रकार से डाईहेलाइड और ट्राईहेलाइड बना सकते हैं। तो इस परिवार का जो कॉमन हेलाइड्स होता है वो MX2 और MX4 के रूप में लिखा जाएगा। और जैसे अगर जर्मेनियम, टिन, लेड का देखते हैं तो ये दोनों प्रकार के हेलाइड ये बना सकते हैं। तो जो MX4 प्रकार का हेलाइड्स होता है इसमें जो भी केंद्रीय परमाणु है वो यहाँ sp3 संकरित अवस्था में होते हैं, और sp3 संकरित अवस्था में है और चतुष्फलकीय संरचना को दर्शाते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्ट्रक्चर में। ये सभी सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं जैसे कि टिन टेट्राफ्लोराइड और लेड टेट्राफ्लोराइड, ये आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं। और जर्मेनियम जब हैलोजन से रिएक्ट होता है तो जैसे जर्मेनियम डाईहेलाइड बना GeX2 बनता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे अक्रिय उम्र प्रभाव में हमने देखा था कि जो डाईहेलाइड्स है वो टेट्राहेलाइड की तुलना में ज़्यादा स्थायी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एस के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने भाग नहीं लेते हैं, तो इस वजह से वो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। इस परिवार में ये देखा जाता है कि जो कार्बन है वो थोड़ा अलग है बाकी सभी सदस्यों से। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जल अपघटित नहीं हो पाते आसानी से, लेकिन इसके अलावा जितने भी हैलाइड्स हैं जैसे सिलिकॉन टेट्राहेलाइड ये आसानी से जल अपघटित हो सकता है। इसका कारण ये है कि कार्बन में हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो जो H2O से लिया हुआ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, तो वो किस में जाएगा? तो कार्बन के पास चूंकि डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जबकि सिलिकॉन जो टेट्राहेलाइड है वो आसानी से जल अपघटित हो सकते हैं और H2O द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपने डी कक्षक में ले सकते हैं। तो जब ये H2O द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं तो ये आसानी से जल अपघटित हो जाते हैं। तो जो SiCl4 है वो SiOH होल 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से ये जल अपघटित होते हैं। तो इसमें जब जल अपघटन की क्रिया होती है तो इस तरह से H2O के ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन युग्म तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को दिया जाता है। और जब एक एक करके यहाँ पर देखिए किस तरह से बॉन्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पर H2O में से OH अटैच हो जाएगा और एक H और एक Cl निकल जाता है। तो इस तरह से सिलिकॉन में पहले हम देखते हैं कि 3 Cl और एक OH होगा, एक HCl बाहर चला जाएगा, और इसके आगे फिर से जब लगातार रिएक्शन होता जाएगा, बार बार इसमें जल अपघटन की क्रिया होती जाएगी, तो सारे के सारे जो Cl परमाणु हैं वो OH से रिप्लेस हो जाते हैं और इस तरह से SiOH होल 4 बनता है। तो ये सिलिकॉन में प्रेजेंट रिक्त डी कक्षक के कारण संभव हो पाता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन के पास रिक्त डी कक्षक नहीं है, इस वजह से वो जल अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो जब सिलिकॉन जल अपघटित होता है और सिलिकॉन जल अपघटित होकर SiOH होल 4 बनाता है, यानी चारों Cl जो है वो चारों OH से रिप्लेस हो गया, तो एक सिलिसिक अम्ल बनता है। यहाँ पर सिलिकॉन जैसे जो तत्व हैं ये इनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ये अपनी सहसंयोजकता भी बढ़ा सकते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा था। तो SiCl4 जब H2O से रिएक्ट करता है तो H2SiO3.H2O बनता है और HCl निकलता है। तो ये हाइड्रेटेड सिलिसिक अम्ल के रूप में लिखा गया है क्योंकि इसमें एक जल का अणु अटैच्ड है। एक प्रश्न बनता है, तो सिलिकॉन जो हेक्साफ्लोराइड SiF6-2- ये ज्ञात है, जबकि SiCl6-2- ये अज्ञात होता है। ऐसा क्यों? सिलिकॉन और फ्लोरीन के साथ जब क्रिया होती है तो सिलिकॉन का आकार और फ्लोरीन के आकार में थोड़ी बहुत समानता होती है, और इसमें जब ये दोनों मिलकर यौगिक बनाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इंटरैक्शन है वो भी आसानी से हो सकता है। लेकिन जब सिलिकॉन की क्रिया क्लोरीन से होती है तो सिलिकॉन के चारों तरफ, क्लोरीन चूंकि आकार में बड़ा होता है तो सिलिकॉन के साथ जब चारों तरफ क्लोरीन परमाणु आते हैं तो बड़े आकार के परमाणु हो जाते हैं क्लोरीन के, तो ये चारों तरफ से उसको व्यवस्थित होने के बाद ये ठीक से
वहाँ पर इंटरैक्शन नहीं हो पाता है। सिलिकॉन के चारों तरफ क्लोरीन के 6 जो बड़े आकार के परमाणु हैं वो ठीक से व्यवस्थित नहीं हो पाते, क्योंकि क्लोरीन भी बड़े आकार का होता है। क्लोरीन परमाणु का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और जो सिलिकॉन परमाणु है उनके मध्य जो इंटरैक्शन होता है वो इतना प्रबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आकार में भी अंतर है। तो इस वजह से जो सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड आयन है वो प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है। अब कार्बन परिवार में जो कार्बन है वो बहुत अधिक एबनॉर्मल बिहेवियर दर्शाता है, तो इसके कुछ कारण हैं क्यों ये दर्शाता है। तो जब हम इस चार्ट में देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के इसके गुणों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि कार्बन अपने परिवार में सबसे छोटा सदस्य होता है। इसकी परमाणु त्रिज्या आप देखिए सबसे कम है, ऋण विद्युता का मान सबसे अधिक है 2.5, आयनन ऊर्जा भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। यदि इस परिवार के चारों आयनन ऊर्जा को जोड़ा जाए तो कार्बन के लिए सबसे ज़्यादा आयनन एंथैल्पी का मान पाया जाता है, क्योंकि यह आकार में बहुत छोटा होता है। आकार में छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। रिक्त डी ऑर्बिटल के एब्सेंस के कारण कार्बन कई सारे गुणों में भिन्नता दर्शाता है। तो इसके असामान्य व्यवहार का जो मुख्य मुख्य कारण है वो यही है कि एक तो इसका आकार का छोटा होना, इसकी उच्च ऋण विद्युता का होना, उच्च आयनन ऊर्जा का होना, रिक्त डी ऑर्बिटल का एब्सेंट होना। तो ये सारे जो कारण हैं वो इसे बाकी सदस्यों से भिन्न बनाते हैं। कार्बन में देखा गया है कि कार्बन में केवल S और P दो ही उपकोश है बाह्यतम कोश में, तो ये अपनी सहसंयोजकता को और आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है। लेकिन बाकी जितने भी सदस्य होते हैं उनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो उनकी जो सहसंयोजकता का मान है वो बढ़ सकता है। तो कार्बन जो है वो बाकी सदस्यों से इस कारण भी थोड़ा अलग हो जाता है। कार्बन अपने ही आवर्त के जो दूसरे सदस्य हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ पी पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं, मतलब बहुबंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन अपने ही परमाणु के साथ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। और जो इसके उच्चतर सदस्य होते हैं उनमें ये पी पाई बॉन्डिंग की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसमें आकार बहुत छोटा होता है, तो उसमें पी पाई बॉन्डिंग बनाने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। तो कार्बन ही एक ऐसा सदस्य है जिसमें इस तरह से बंध बनाने की एक यूनिक एबिलिटी देखी गई है। बड़े परमाणु होते हैं इस परिवार के, उसमें पी पाई बॉन्डिंग नहीं होने का एक मुख्य कारण ये है कि इसमें उस तरीके से इफ़ेक्टिव जो ओवरलैपिंग है वो नहीं हो पाती है, इस कारण ये पी पाई बॉन्डिंग नहीं देते हैं। श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है कार्बन में, क्योंकि ये अपने ही परमाणु के साथ मिलकर बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला और शाखित श्रृंखला कई तरह से कंपाउंड ये बना सकते हैं। लेकिन इस परिवार में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो श्रृंखलन की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है। सबसे कम श्रृंखलन जो है वो टिन में देखा जाता है, और लेड तो ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच का जो बंधन एंथैल्पी का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। कार्बन कार्बन की जो बंधन एंथैल्पी है वो 348 किलो जूल प्रति मोल है। सिलिकॉन सिलिकॉन के लिए बंधन एंथैल्पी का मान 297 किलो जूल प्रति मोल है, जबकि जर्मेनियम के लिए 260 किलो जूल प्रति मोल है, और टिन टिन के बीच जो बंधन ऊर्जा का मान है वो 240 किलो जूल प्रति मोल होता है। तो जो श्रृंखलन की प्रवृत्ति और इनमें पी पाई बॉन्डिंग की जो प्रवृत्ति है वो कार्बन को बहुत सारे जगह पर स्पेशल बनाती है, और इन सभी कारणों से वो कई अपरूपों के रूप में पाए जाते हैं। इसके जो अपरूप होते हैं जो भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं लेकिन बहुत सारे उनके जो रासायनिक गुण हैं वो लगभग समान होते हैं। तो कार्बन के कई प्रकार के अपरूप प्रकृति में पाए जाते हैं। कार्बन के अपरूपों को हम दो वर्गों में बाँट सकते हैं, एक क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टली अपरूप। जो क्रिस्टली अपरूप है इसमें हीरा, ग्रेफाइट जिसे बहुत दिनों पहले ही खोजा जा चुका है, एक नया क्रिस्टली अपरूप है जिसे फुलेरीन कहा जाता है जिसकी खोज बाद में हुई है,
और अक्रिस्टलीय अपरूप में है कोल, चारकोल एवं लैम्प ब्लैक के रूप में, जो अक्रिस्टलीय अपरूप है वो देखे गए हैं। तो इसमें अलग अलग जो अपरूप है सबके बारे में हम पढ़ेंगे, सबकी संरचना जानेंगे और सभी के उपयोगों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो क्रिस्टलीय अपरूप है उसमें हीरा। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम एक क्रिस्टलीय ठोस माना जाता है। ये पारदर्शी होते हैं, अष्टफलकीय क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इसमें देखा गया है कि कर्व्ड सरफेस होता है और जब इसको कटिंग किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो ये बहुत सुंदर चमकीला सा दिखाई देता है। हीरे की संरचना को जब हम देखते हैं तो इसमें प्रत्येक जो कार्बन है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है, अर्थात ये चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा रहता है, यानी एक कार्बन अन्य चार कार्बन के साथ चतुष्फलकीय संरचना बनाए हुए जुड़ा होता है। तो जब इसमें संरचना को देखते हैं, चतुष्फलकीय संरचना, तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में दिखाई नहीं देता है। सभी के सभी आपस में जुड़कर एक त्रिविम जालक जैसी संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई होती है वो 154 पिकोमीटर होती है। यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो 154 पिकोमीटर इसका बॉन्ड लेंथ होता है। और ये एक सहसंयोजी ठोस के रूप में होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं होता है, और इसी वजह से ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सहसंयोजी क्रिस्टल होने के कारण ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन विद्युत के कुचालक होने का कारण यही है कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। हीरे का उपयोग अगर हम देखें तो हीरा एक रंगहीन और क्रिस्टली पदार्थ होता है, और इसे यदि अच्छे से ठीक ठीक कोण में काटा जाता है, पॉलिश किया जाता है, तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने लगती है। और जो कांच है, ग्रेनाइट है, मार्बल है, उनको काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और कठोर सतहों पर पॉलिश भी किया जा सकता है। कई बार जो चिकित्सक होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के औजार उनके लिए आवश्यक होता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। हीरा रत्न के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, जब इसको तराशा जाता है, पॉलिश किया जाता है, उस समय धार तेज करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, अपघर्षक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रकाश जो लैंप होते हैं और टंगस्टन तंतु को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हीरे का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है। इसका कारण ये है कि कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है हीरे में वो बहुत प्रबल होता है और इसको तोड़ना बहुत कठिन होता है, और इस वजह से इसका गलनांक बहुत उच्च पाया जाता है। अब हम अगला देखेंगे ग्रेफाइट की संरचना, या ग्रेफाइट कैसा रूप होता है कार्बन का। तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एक क्रिस्टली अपरूप ही होता है, और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कई जगहों पर इसका प्रयोग होता है। तो ग्रेफाइट जो है ये बनता कैसे है। ग्रेफाइट को बनाने के लिए एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे एकेसन विधि भी कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए विद्युत भट्टी में बहुत अधिक टेम्परेचर, लगभग 3300 केल्विन टेम्परेचर पर बालू और कोयले के मिश्रण को गर्म करके ग्रेफाइट को बनाया जा सकता है। तो कृत्रिम रूप से बनाने का भी एक मेथड है एकेसन मेथड। तो इसको जब बनाया जाता है तो इसका रिएक्शन इस तरह से हम लिख सकते हैं, 3C+SiO2 इज इक्वल टू SiC सिलिकॉन कार्बाइड बना और 2CO बनता है, और जो ये सिलिकॉन कार्बाइड बना ये अपघटित होकर कार्बन, यानी यहाँ पर ग्रेफाइट बना है ये कार्बन के रूप में, और सिलिकॉन ये विघटित हो जाता है। तो इस तरह से एकेसन विधि के द्वारा ग्रेफाइट को बनाया जा सकता है। ग्रेफाइट की संरचना ये थोड़ी अलग होती है हीरे से। हीरे में जो कार्बन है वो sp3 संकरित अवस्था में है, लेकिन ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो sp2 संकरित अवस्था में है, और sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं कि एक असंकरित कक्षक भी उपस्थित है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
तो तीन जो संकरित कक्षक है प्रत्येक कार्बन का, वो तो बॉन्डिंग कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है और एक षटकोणीय वलय जैसी संरचना बन जाती है। तो ग्रेफाइट की संरचना एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, एक परतीय संरचना होती है। तो ये परतों के रूप में षटकोणीय वलय इस तरह से जुड़े होते हैं। लेकिन प्रत्येक कार्बन पर जो 2PZ1 है, जो कि असंकरित अवस्था में है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन में बचा हुआ है। तो ये जो परतीय संरचना हम देख रहे हैं, तो प्रत्येक कार्बन पर प्रेजेंट जो एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर इसे डीलोकलाइज्ड फॉर्म में बनाता है और यहाँ पर इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इसकी विद्युत के प्रति सूचालकता का कारण भी बनती है। तो षटकोणीय जो वलय है उसमें प्रत्येक कार्बन का जो sp2 संकरित कक्षक है, वो अपने पास वाले जो तीन कार्बन हैं उनके साथ मिलकर तीन सिग्मा बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में होता है और विभिन्न जो अलग अलग परत है उसमें ये डीलोकलाइज्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण ही जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है। ग्रेफाइट की संरचना, जैसा हमने देखा कि एक परतीय संरचना होती है, तो इन परतों को तल में आसानी से तोड़ा भी जा सकता है। तो ग्रेफाइट मुलायम होते हैं और चिकने भी होते हैं। उच्च तापमान पर मशीनों में तेल का उपयोग किया जाता है, स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है वो शुष्क स्नेहक का कार्य करता है मशीनों में, जहाँ पर तेल का प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रेफाइट को काला लेड भी कहा जाता है, प्लम्बेगो की भी कहा जाता है। प्लम्बेगो यानी ग्रेफाइट ही है, लेकिन उसे काला लेड भी कह सकते हैं। ग्रेफाइट का बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है, कई विद्युत अपघटनी सेल में ये प्रयोग किए जाते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, और मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करने के लिए भी ग्रेफाइट छड़ लगाई जाती है। मोम और क्ले के साथ जब मिश्रित किया जाता है तो ग्रेफाइट जो पेंसिल की लीड होती है उसको बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। ग्रेफाइट से निर्मित जो क्रूसिबल होता है वो क्षार या अम्ल से रिएक्ट नहीं होता है, तो कई जगह पर इसका प्रयोग, इस तरह के क्रूसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला जो अपरूप है कार्बन का, क्रिस्टली अपरूप, वो है फुलेरीन्स। फुलेरीन की खोज बहुत बाद में हुई H.W. क्रोटो, E. स्मैले, R.F. कर्ल, इन तीन वैज्ञानिकों द्वारा कार्बन का एक नया अपरूप खोजा गया और इसके लिए इन्हें 1996 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। फुलेरीन क्या होता है? फुलेरीन कार्बन का एक नया अपरूप है जो बहुकोणीय क्रिस्टली होता है अपरूप, और इसमें कार्बन के 60 परमाणु एक फुटबॉल जैसी आकृति ले लेते हैं और आपस में बंधे रहते हैं। फुलेरीन में जो बहुफल्की क्लस्टर्स होते हैं उसमें अणुओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। सामान्य रूप से इसका जो सूत्र है वो CN लिखा जाता है। तो इसका जो पहला सदस्य है जो C60 नाम से जाना जाता है, और इसको नाम दिया गया है बकमिंस्टर फुलेरीन। बकमिंस्टर फुलेरीन का जो नाम है वो बकमिंस्टर फुलेर नामक एक आर्किटेक्ट थे, वास्तुविद, उनके नाम के आधार पर दिया गया है, उनके सम्मान में इस नाम को दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो बकमिंस्टर फुलेर थे उन्होंने जियोडेसिक डोम जैसी संरचना को डिज़ाइन किया था, और फुलेरीन ठीक वैसा ही है जियोडेसिक डोम जैसा, इसलिए उनके सम्मान में जो पहला सदस्य है C60 का उसे नाम दिया है बकमिंस्टर फुलेरीन। हीलियम और आर्गन जैसे जो अक्रिय गैस हैं, इनकी उपस्थिति में जो ग्रेफाइट होता है उसको विद्युत आर्क में गर्म करने पर फुलेरीन बनता है। जो वाष्पित CN अणु होते हैं उनको जब संघनित किया जाता है, यानी उसको जब कंडेंस किया जाता है, तो कज्जली पदार्थ बनता है और उसमें कार्बन 60, कार्बन 70 मिश्रित रहते हैं। जैसे ग्रेफाइट का जब विद्युत आर्क दिया जाता है, ग्रेफाइट पर
जो हीलियम या आर्गन है जो अक्रिय गैस है उनकी उपस्थिति में विद्युत आर्क दिया जाता है, तो इसके वाष्प जो हैं वो संघनित हो गए और वाष्प कार्बन बना, जैसा कि हमने कज्जली पदार्थ कहा इसे, तो वाष्प कार्बन बना और फिर इसका संघनन करते हैं तो फुलरीन बनता है। तो इसमें कार्बन 60 कार्बन 70 इस तरह से ये मिश्रण पाया जाता है। फुलरीन की जो संरचना होती है उसमें 6 सदस्यीय 20 वलय होते हैं, अर्थात यहाँ पर 20 रिंग होते हैं जो कि 6 मेंबर्ड होते हैं, और जो 12 रिंग होते हैं वो 5 मेंबर्ड होते हैं। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, प्रत्येक 6 मेंबर्ड रिंग का संबंध 5 सदस्यीय वलय से भी और 6 सदस्यीय वलय से भी हो सकता है, अर्थात उनके साथ ये संगलित होते हैं। लेकिन जो 5 सदस्यीय वलय होते हैं उसमें ये देखा गया है कि वो केवल 6 सदस्यीय वलय के साथ ही संगलित रहते हैं। तो इनकी संरचना में आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे 6 सदस्यीय रिंग 5 सदस्यीय और 6 सदस्यीय दोनों के साथ संगलित है, और जो 5 सदस्यीय रिंग है वो केवल 6 सदस्यीय रिंग के साथ ही संगलित होते हैं। तो इस तरह से एक संरचना बनती है फुलरीन की। जो इस तरह से व्यवस्था होती है 5 सदस्यीय और 6 सदस्यीय रिंग के मध्य, वो इसे एक विशेष जमावट देती है, एक विशेष सममिति, बेहतरीन सममिति संरचना देती है। इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं वो sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और जो अन्य 3 के साथ आबंधित होते हैं, और इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो पूरे अणु में डीलोकलाइज्ड स्थिति में होता है, अर्थात जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है 2pz का, और इस डीलोकलाइजेशन के कारण ही ये अणु जो है वो एरोमेटिक गुण दर्शाता है। तो इलेक्ट्रॉन पूरी जगह पर डीलोकलाइज्ड फॉर्म में रहता है और इसी के कारण ये अणु एरोमेटिक कैरेक्टर भी शो करता है। जो ये गेंदनुमा संरचना होती है फुलरीन की, उसमें 60 वर्टिसेस होते हैं, प्रत्येक वर्टिस में एक कार्बन परमाणु होता है और इस पर दोनों तरह का बंध है, जैसे एकल बंध भी है और द्विबंध भी है। तो एकल बंध जो है वो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में, उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 143.5 पिकोमीटर है, और जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसमें 138.3 पिकोमीटर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक बल्की बॉल जैसी संरचना बनती है। फुलरीन का जो उपयोग है वो कैंसर और एड्स थेरेपी में किया जाता है। कई सारे क्षार धातुओं के साथ मिलकर जब ये यौगिक बनाते हैं तो अतिचालक पदार्थ के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता है। गोलीय कण होने के कारण दो ठोस सतहों के बीच एक अच्छे स्नेहक के रूप में भी, एक लुब्रिकेंट के रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं।